रविंद्र चौहान जी को अपना समर्थन देंगे, अपना प्यार देंगे। सत्तार साहब, कभी कभी कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जिनकी आहट देख करके लफ्ज खामोश हो जाते हैं और सिर्फ चेहरे पर एक सुकून और एक मुस्कुराहट होती है। जिस दिन सत्तार साहब का टिकट अनाउंस हो रहा था, उससे एक दिन पहले रविंद्र जी, सत्तार भाई, गफ्फार भाई, ये सारे लोग दिल्ली में मेरी कोठी पर बैठे थे। अम्बेडे साहब, सारे लोग घर पे बैठे थे मेरे, हम साथ में चाय पी रहे थे। अच्छा, जिसका टिकट होना रहता है उसका कलेजा धुक 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 करता रहता है जब तक लिस्ट में निकल जाए, आदमी परेशान रहता है। तो सत्तार भाई के चेहरे पे परेशानी थी, तो मैंने कहा नहीं सत्तार भाई, पिछली बार जब आप टिकट मांग रहे थे तो आपके जो वकील थे वो कमजोर थे, इस बार आपकी लड़ाई लड़ने वाला आपका बेटा, आपका भाई कमजोर नहीं है, इस बार कोई धोखा नहीं होगा। कुणाल भाई बैठे हैं, उत्तम जी बैठे हैं, शब्बीर भाई बैठे हैं, ख्वाजा बिलाल हैं, अहमद खान हैं, हम सारे लोगों की नजरें उन लम्हों तक उस लिस्ट पर डटी थी जब तक नांदेड़ नॉर्थ का टिकट सत्तार साहब का अनाउंस नहीं हो गया। हमने अपना काम कर दिया है, अब आपके पाले में गेंद है, अब गोल आपको करना है, बैट भी आपके हाथ में है, गेंद भी आपके हाथ में है, सामने वालों को बोल्ड करो और बल्ले पे गेंद आए तो सीधे बाउंड्री के पार भेजो। सत्तार भाई को आमदार बनाओ, रविंद्र भाई को खासदार बनाओ। नांदेड़ वालों, दाई तरफ एक खासदार खड़ा है, बाई तरफ एक आमदार खड़ा है और बीच में राज्यसभा का खासदार खड़ा है जो आपका है। ये भाजप वाले, महायुति वाले, अपक्ष वाले, विपक्ष वाले, किसी के झांसे में नहीं आना है। 40 साल बाद मन की मुराद पूरी हुई है, एक पूरी पीढ़ी या तो जवान हो जाती है या एक पूरी पीढ़ी बूढ़ी हो जाती है, तब जाकर के ये मौका हाथ में आया है कि आपके बीच में आपके अपने लोग, आपकी खिदमत करने वाले लोग कैंडिडेट बनकर के आपके सामने हैं। तो नांदेड़ वालों, इधर उधर एक भी वोट बर्बाद नहीं करना है, 20 तारीख को बस ये सोच के घर से बाहर निकलना है कि आपका एक एक वोट, नांदेड़ का एक एक वोट अगर किसी बटन पे दबेगा तो हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबेगा। जब इनका टिकट हो रहा था और मैं पार्टी से लड़ रहा था तो मैंने पार्टी से कहा था कि आप टिकट दीजिए, मैं वादा करता हूं कि नांदेड़ इतने बड़े अंतर से चुन करके खासदार को भी भेजेगा और आमदार को भी भेजेगा कि पार्टी को फख्र होगा। और जब मैं नांदेड़ आना था मुझे कैंपेन में, तो मुझसे कहा गया, सत्तार भाई ने कहा कि इमरान भाई 16 तारीख को आइए, 17 तारीख को आइए, आखिर में आइए। लेकिन आपकी दुआओं ने इतना मसरूफ कर रखा है, मैं पिछले 5-6 दिन से झारखंड में सभाएं कर रहा था, अब महाराष्ट्र आया हूं, 70 के आसपास सभाएं करनी है, मैं खुद परेशान हूं कि कैसे इतनी सभाएं कर पाऊंगा, लेकिन जितना दौड़ पा रहा हूं। मैंने कहा सत्तार भाई मैं 12 तारीख को आ जाता हूं, उसके बाद पता नहीं किस जगह पे, किस असेंबली में, किस पार्लियामेंट में रहूंगा, तो मैं एक बार अपने लोगों के बीच में आ जाऊं, बस उनसे इतना कह दूं कि यार हमने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम कर दो, इससे ज्यादा तो कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। और मुझे पता है ये नांदेड़ है, ये उड़ती चिड़िया के पर पहचानता है, ये किसी झांसे में नहीं आएगा, ये किसी धोखे में नहीं आएगा। आपसे बहुत लंबी चौड़ी सियासी तकरीरें नहीं करूंगा, जो आपको खरीदने आए, मैंने सुना है कुछ लोग पैसों की पोटली लेके घूम रहे हैं, वो आपके बीच में आए तो उनसे कहना कि मेरे भाई ये पैसे आप अपनी जेब में रखो, हम बिकने वाले लोग नहीं है, हम झुकने वाले लोग नहीं है, करने वाले लोग नहीं है। और उसके बाद भी अगर कोई डराने की, धमकाने की कोशिश करे तो उससे कहना कि जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती है जवानी भी नहीं।
नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। ये कहना, और बिना डरे बिना झुके एक भी वोट खराब मत होने देना। हाथ का पंजा, हाथ का पंजा, हाथ का पंजा, क्योंकि लड़ाई सीधी महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिनके नारे हैं, बटोगे कटोगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, ढहा देंगे, जला देंगे, उल्टा लटका देंगे, पता नहीं क्या क्या। और एक तरफ हम खड़े हैं, हम सब खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि आओ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये नांदेड़ की सड़कें इस बात की गवाह है नांदेड़ वालों, कि जब इन्हीं सड़कों पर चल करके मोहब्बत का एक मसीहा आया था आपके बीच में, जो कन्याकुमारी से चला था, बस एक नारा लगाता हुआ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे बताओ इस मुल्क में जो नफरत फैली है उसके सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, आप हैं। नफरत कम होगी तो सुकून किसे मिलेगा? हमको, आपको, आपको। तो बताओ जिस इंसान ने 4,000 किलोमीटर पैदल चल करके अपने पैर के छालों की परवाह नहीं की और यह कहा कि इस मुल्क में नफरत को कम करना है, तो आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो नहीं रखते हो, मैं तो रखता हूं इस बात पर ईमान, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो मैं आज नांदेड़ में खड़ा होकर के आपसे यह कहता हूं कि मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले। मैं आज नांदेड़ में खड़ा होकर के आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, और वो मजदूरी ये है कि राहुल जी ने रविंद्र चौहान को और अब्दुल सत्तार साहब को आपके बीच में अपना नुमाइंदा बना के भेजा है। एक को आमदार बना दीजिए, एक को खासदार बना दीजिए। यह है राहुल गांधी की सबसे बड़ी मजदूरी। जो इधर बाई तरफ मेरे साथी खड़े हैं, मुझे आपसे बस एक बात कहनी है, आप सियासत जो है ना वो दिल से करते हो, दिमाग से नहीं करते हो, जज्बात से करते हो। सियासत जज्बात का नाम नहीं है, सियासत दिमाग से फैसले लेने का नाम है। हो सकता है मेरे कुछ साथियों को सत्तार साहब से पर्सनल मनमुटाव हो, हो सकता है कभी गफ्फार फोन ना उठा पाए हो तो आप नाराज हो, लेकिन जब लड़ाई बड़ी होती है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। ये मौका फिर दोबारा आए या ना आए ये आपके फैसले पर तय होगा। ये मौका आगे लगातार आने वाली सदियों तक बना रहे ये आपके फैसले पर तय होगा। हर वफा जिंदा जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताज महल बनता है। हमने अपने हिस्से का काम कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने अपने हिस्से का काम कर दिया है, अब आपको अपने हिस्से का काम करना है नांदेड़ वालों। एक तरफ वो लोग हैं महायुति के लोग, महाभ्रष्ट लोग, महाराष्ट्र को लूटने वाले लोग, जिन्होंने लूट करके सरकार बनाई। मैं कल किसी सभा में खड़ा था जालना में, तो मैंने कहा यह धोखेबाजों की सरकार है, तो सामने से एक नया लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा इमरान साहब एक चीज और जोड़िए। मैंने कहा बताओ, बोला ये भी जोड़िए कि ये धोखेबाजों के साथ साथ धोखेबाजों की भी सरकार है। मैंने कहा ये सही सजेशन है, तो ये भाजपा के किसी झूठ के चक्कर में मत आना। इनके सारे नारे झूठे हैं, इनके सारे वादे झूठे हैं। ये तो पार्लियामेंट में एक दिन प्रधानमंत्री जी खड़े होकर भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं इधर बैठा हुआ था, मैं खड़ा हो गया, मैंने सोचा मैं गिनाना शुरू करूं, तब तक खड़गे साहब बैठे थे, बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है।
उनको उनके पुराने नारे याद दिलाता कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। अब तो मैं उस चौकीदार से पार्लियामेंट में भी पूछता हूं और सड़कों पर भी पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। थक तो नहीं गए? थके तो नहीं है ना? कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये जो इधर दीवारों पे बैठे लोग हैं, इधर जो छतों पे बैठे लोग हैं, जो सड़कों पे खड़े लोग हैं, पीछे तक अगली लाइन पे आपकी तालियों का शोर जो है ना, वो आसमान तक जाना चाहिए कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय मालिया नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय समझदार लोग, आप कोई नाम मत लो, चौकीदार बोल दो ये समझ जाते हैं, चाय बोल दो इनको स्वाद आ जाता है, पिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कि चाय, मैंने फैसला किया कि ये सभा खत्म होगी तो जहां अच्छी चाय मिल रही होगी वहां जाके चाय पीना। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, फिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पर तैयार रहिएगा, जो दीवारों पे हाथ से दीवार पकड़ के बैठे हैं वो ताली ना बजाएं, गिरने का डर है। कि रेल बिक गई,